Hello all, this is Dr. Gunjan Vishwakarma from Mindful Journey. Water science. Cancer, Pisces, Scorpions. आपको अपनी लव रीडिंग का बहुत लंबा इंतजार करवाया मैंने. सो सॉरी, आई वॉज वेरी मच बिजी इन माई रीडिंग्स. और हाँ, रीडिंग से मुझे ध्यान आया, मेरे अक्टूबर और नवंबर महीने की बुकिंग्स कंप्लीट हो चुकी है. तो प्लीज आप मुझे पर्सनल रीडिंग्स के लिए अभी अप्रोच मत कीजिए, मेरे पास इतना वक्त नहीं है. मैं आपके सवालों के जवाब दे सकूँ, या आपके व्हाट्सएप के आंसर दे सकूँ, या आपको हम मैं कॉल पर भी एंटरटेन कर सकूँ. तो प्लीज़ मैं आपको जो बोल रही हूँ उसको सीरियसली लीजिए. आई डोंट हैव एनी टाइम फॉर एनी न्यू अपॉइंटमेंट्स. हाँ, अर्जेंट रीडिंग्स के लिए मैंने कुछ स्लॉट्स खाली रखे हुए, लेकिन वो अर्जेंट रीडिंग है. मतलब अगर आप सच में, आपको ऐसा लगता है कि आप किसी सिचुएशन में फंसे हुए हैं जहाँ आपको तुरंत किसी एडवाइस की जरूरत है, तो आप मुझे अप्रोच कर सकते हैं. अर्जेंट रीडिंग की जो मेरी प्राइस है, दैट इज 3000 रुपीज. और वो भी अर्जेंट रीडिंग का मतलब ये नहीं कि मैं आपको तुरंत रीडिंग दे पाऊंगी. आप अर्जेंट रीडिंग बुक कराएंगे तो विद इन द वीक आपको रीडिंग मिल सकती है, क्योंकि अर्जेंट रीडिंग के स्लॉट्स भी 2-3 दिन आगे तक के मेरे बुक होते हैं. तो आप थोड़ा सा ये बात का ध्यान रखिए. और व्हाट्सएप पर प्लीज मुझे आप अपनी लंबी लंबी लेटर्स मत लिख लिख के भेजिए, मैं नहीं पढ़ती हूँ, नहीं मेरे पास टाइम है, नहीं मैं वहाँ रेस्पॉन्ड करना पसंद करती हूँ. तो प्लीज आप थोड़ा सा इस बात का अपने आप को रेस्ट्रिक्ट कीजिए आप. चलिए, तो वाटर साइंस के लिए यानी जल तत्व राशियों के लिए यानी कर्क एंड वृश्चिक और मीन राशियां, इनके लिए हम देखते हैं हमारी लव रीडिंग क्या कहती है अक्टूबर महीने के लिए. रंग लाती है हिना, रंग लाती है हिना, पत्थर पे पिस जाने के बाद. वाटर साइंस, ज्यादा इमोशनल होना दुखदायी होता है. मजबूत बनिए, इमोशंस को बैलेंस कीजिए. अगर आप हर्ट नहीं होना चाहते तो दूसरे लोगों को ब्लेम करने की बजाय अपने इमोशंस को बैलेंस करने की कोशिश कीजिए. द लवर्स कार्ड, टू ऑफ कप्स. वेल, यू वॉन्ट टू गिव ऑफर टू समवन, और समवन हैज गिवन सम लव ऑफर टू यू, और यू आर हैविंग अ ब्यूटिफुल टाइम इन योर लव कनेक्शंस. ऐसी तो कुछ वाइब्स आ रही है मुझे. आप अपने किसी लव्ड वन से मिले हो, लंबे समय बाद आप अपने किसी लव्ड वन से मिले हो, या आपने लंबे समय बाद अपने किसी लव्ड वन से कनेक्ट होने की कोशिश की है, या फिर किसी लव्ड वन से आप काफी लंबे समय तक दूर रहे और अब आप प्लान कर रहे हो फिर से उनकी तरफ मूव करने की या उनको अपना ऑफर देने की. इस तरह की इसकी वाइब्स हैं इस कार्ड की. लेट्स चेक मोर. यस, सी, नाइट ऑफ कप्स, समबडी लव ऑफर, इट इज अबाउट सम काइंड ऑफ अ लव ऑफर. समबडी इज ट्रेवलिंग टुवर्ड्स यू विद अ लव ऑफर, और यू वॉन्ट टू ट्रेवल towards someone with a love offer, passionate love. Six of Cups card, yes. Maybe इस love connection में पहले equal give and take नहीं था, या इसमें कोई third party भी involved थी, लेकिन अब आप mind बना रहे हो दो में से किसी एक को choose करने के लिए और उसको अपना love देने के लिए. ऐसा आप choose कर रहे हो, या ऐसा आपके साथ हो सकता है कि कोई व्यक्ति ने पहले आपको ऑफर नहीं किया और अब वो आपको प्रायोरिटी देने की, आपको लव ऑफर देने की सोच रहा हो. और कुछ लोगों के लिए, सब लोगों के लिए नहीं, कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि यू आर द थर्ड पार्टी. आप किन्हीं कपल के बीच में आप एंटर करने की कोशिश कर रहे हो, आप लव पाने की कोशिश कर रहे हो, आप चाहते हो कि आपको रेसिप्रोकेट किया जाए वो लव, लेकिन इस वक्त आपको वो लव ऑफर नहीं किया जा रहा है. आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे कि दो लोगों के बीच में यू आर अननेसेसरी थर्ड पार्टी, यू आर द थर्ड पार्टी. ऐसा कुछ लोगों के साथ ऐसा भी हो सकता है. मे बी आप ये देख रहे हो कि किन्हीं दो लोगों के बीच में लव एक्सचेंज हो रहा है और आपको, जिसके आप हकदार हो, वो लव आपको नहीं मिल रहा है. इस तरह की सिचुएशन आप ऑब्जर्व कर रहे हो एंड यू आर वेटिंग कि ये व्यक्ति कब इस दूसरे व्यक्ति पर से हटके कब वापस मेरे पास आए और कब मुझे लव ऑफर करे. इस तरह की वेटिंग मोड में भी कुछ स्कॉर्पियंस यानी स्कॉर्पियंस एंड कैंसर्स एंड प्राइसेस ये आप हो सकते हो.
ये बातें कुछ पहले भी आई थी। यस, काम की वजह से, या तो आप बहुत बहुत ज्यादा काम कर रहे हो, या काम की वजह से आपने घर से दूर या अपने लव्ड वन से दूर आपने ट्रेवल किया है, और जहां कहीं आप ट्रेवल करके गए ना, वहां की सिचुएशंस आपको रास नहीं आई। आपने अपनी वर्क प्लेस है या आपने अपनी ओरिजिनल प्लेस से मूव ऑन होकर आप जहां पर गए, वहां पर आपको कुछ समझ में नहीं आया, कुछ पसंद नहीं आया, या वहां पर कोई ऐसी अप्रिय घटना घटी या घटने की संभावना है। इसमें एक सिचुएशन मुझे ऐसी भी समझ में आ रही है, आपकी लाइफ में दो लोग थे, जिसमें से दो में से एक को आप अपना लव ऑफर करना चाहते थे और दूसरे को आप वो लव ऑफर नहीं करना चाहते थे, जबकि दूसरा व्यक्ति भी आपसे एक्सपेक्ट कर रहा था कि आप उसको लव ऑफर करें, और एनर्जी स्वाइप हो सकती है, और इस लव ऑफर को आपको नहीं करना था, जिस जो व्यक्ति आपसे डिमांड कर रहा था आपको मतलब उसको ऑफर नहीं करना था, आपको किसी और व्यक्ति को ऑफर करना था, और इसलिए आप काम के बहाने से आप मूव ऑन हो गए, काम के बहाने से आप दूर चले गए, और दूर जाने के बाद में ना आप समथिंग बैड हैज हैपेंड, कुछ गलत हुआ, कुछ बुरा हुआ, या फिर आपने अपना डिसीजन चेंज किया। और फाइनली आपने मैरिज करने का या आपने कमिटमेंट देने का निश्चय किया, आपने दूर जाने के बाद ये सोचा कि हु इज माई लव, कौन मेरा सही पार्टनर हो सकता है, और आप अपने उस सही पार्टनर की तरफ मूव ऑन करके आए हैं। हालांकि इस पार्टनर को कमिटमेंट देने में आपने बहुत समय लगाया, इस पार्टनर को कमिटमेंट देने में आपने बहुत हिम्मत दिखाई, बट अल्टीमेटली जो लव का ऑफर आप इस पार्टनर को नहीं दे रहे थे, जो आपने इससे हटा के दूर ले गए थे, अब यू आर अगेन मूविंग टुवर्ड्स दैट पार्टनर। जिस पार्टनर से आप पहले दूर हट गए थे, आप फिर से अपना लव का ऑफर लेके उसी पार्टनर की तरफ आप जा रहे हैं, और जिस जिस व्यक्ति के साथ आपने काम के बहाने से दूरी बना ली थी, आप फिर से अपना ऑफर लेकर, फिर से अपना कमिटमेंट का ऑफर लेकर उस व्यक्ति की तरफ जा रहे हैं। वाटर साइंस, ऐसा या तो आपके साथ हुआ है या होने वाला है या होगा, या ऐसा आप किसी के साथ कर रहे हो या करोगे। बड़ी स्ट्रेंड एनर्जी है इसके अंदर। उसका बॉटम ऑफ द डेक द डेविल, दो पार्टनर में से एक पार्टनर ना आपका सोलमेट और एक पार्टनर आपका कार्मिक पार्टनर है। आप अपने सोलमेट से दूर होकर, काम के बहाने से दूर होकर या किसी वजह से दूर होकर, आप अपने कार्मिक पार्टनर के पास चले गए थे, लेकिन दूर जाने के बाद आपको एक्चुअल में ये समझ में आया कि आप एक्चुअल में प्यार करते किससे हो, और आप फिर से अपना वो लव का ऑफर लेकर उस डिवाइन पार्टनर की तरफ आप मूव होने की, आप ट्रू सोलमेट की तरफ मूव होने के बारे में आप सोच रहे हो। पहले जो आपने रॉन्ग डीड कर दी, जो कार्मिक सिचुएशन को जो आप दे रहे थे और अपने सोलमेट को आप नहीं दे रहे थे, उस सिचुएशन पर टावर गिरा, उस सिचुएशन पर कुछ तो ऐसा हुआ है कि आपको ब्रेक थ्रू हुआ है, आपको किसी प्रकार की कोई नॉलेज हुई है, किसी प्रकार का कोई डिवाइन विजडम आपके अंदर जनरेट हुआ है, या फिर डिवाइन ने इंटरेक्शन किया, ईश्वर ने कुछ ना कुछ ऐसा चेंज लाया है इसमें कि आपके दिमाग घूम गया पूरी तरह से, कुछ ऐसी सिचुएशन बनी, और अब आप मजबूती के साथ, स्ट्रेंथ के साथ, अपने सोलमेट के साथ में अपना जो रिलेशन है ना, उसको ठीक करने की दिशा में आप सोच रहे हो, आप कदम बढ़ा रहे हो और आप मूव करोगे उस दिशा में। आप अपने सोलमेट की तरफ मूव करने के लिए स्ट्रेंथ जुटा रहे हो, आप अपने सोलमेट की तरफ बढ़ने के लिए मजबूती से इरादे के साथ कदम बढ़ाने की आप सोच रहे हो, और जो व्यक्ति आप
आपके कमिटमेंट को डिजर्व करता उस व्यक्ति को कमिटमेंट देने की दिशा में आप विचार कर रहे हो, और अल्टीमेटली आप अपना ये ऑफर, कमिटमेंट को ऑफर लेकर राइट पर्सन को चूज करोगे, क्योंकि आप ये समझ चुके हो कि किसी भी बहाने से अपने ट्रू लव से दूर भागना आपके लिए ठीक नहीं है, ठीक नहीं हो सकता। और काफी सोच विचार करने के बाद, काफी अपने आप को दूर रखने के बाद, काफी अपने आप को आइसोलेटेड रखने के बाद, और काफी चीजों का रियलाइजेशन करने के बाद, नाउ यू आर कमिंग बैक टू गिव अ सॉलिड ऑफर, टू गिव अ कमिटमेंट टू द डिजर्विंग पार्टनर। इस तरह की वाटर साइंस ये आपकी लव रीडिंग है। मे बी ऐसा आपका पार्टनर कर रहा हो या ऐसा आप करने की सोच रहे हैं। सो मैं कुछ और क्लैरिफिकेशन चाहती हूँ इसमें। सिक्स ऑफ कप्स, मैंने कहा ना रीयूनियन, आप अपने सोलमेट के साथ रीयूनाइट होने के बारे में सीरियसली विचार कर रहे हो। फोर ऑफ वांड्स, मैरिज कार्ड, मैंने कहा देयर इज सम काइंड ऑफ सॉलिड न्यू फर्म फाउंडेशन। अब आप अपनी जिंदगी में एक फर्म फाउंडेशन, एक फर्म कमिटमेंट, एक फर्म डिसीजन की ओर आप बढ़ रहे हो, एक सॉलिड न्यू बिगिनिंग की ओर आप बढ़ रहे हो। क्योंकि प्रीवियसली आर्ग्यू बट मैंने कहा ना, रंग लाती है हिना पत्थर पे पिस जाने के बाद, आपकी पूरी घिसाई हो चुकी है। और इस मैच्योरिटी को पाने के लिए आपको बहुत पेन से गुजरना पड़ा, इस मैच्योरिटी को पाने के लिए आपने बहुत वेट किया, इस मैच्योरिटी को पाने के लिए आपने बहुत मेहनत करी। मैच्योरिटी, नाउ यू आर मैच्योर इनफ। अब आप डिसीजन लेने के लिए यू आर मैच्योर इनफ, राइट डिसीजन अपनी जिंदगी के लिए, राइट डिसीजन क्या है अपनी जिंदगी के लिए, स्टेबल डिसीजन क्या है ये लेने के लिए अब आप रेडी हो। अपना स्नीकी बिहेवियर, अपना शेडी बिहेवियर, अपना चीटिंग वाला बिहेवियर छोड़कर स्ट्रॉन्ग कमिटेड रिलेशन की ओर जाने के लिए अब आप रेडी हो। आपने अपने एक्सपीरियंस से, अपनी लर्निंग से ये समझ लिया है कि नॉन सिंसियर तरह के, नॉन कमिटेड तरह के जो रिलेशन है वो लाइफ में सिर्फ बर्डन कॉज कर सकते हैं, वो लाइफ में सिर्फ पेन कॉज कर सकते हैं, वो लाइफ में सिर्फ हार्ट ब्रेक कॉज कर सकते हैं। और ये सब कुछ समझ कर, इस लेसन को लेकर यू आर नाउ कंप्लीटली चेंज्ड। फेक कम्युनिकेशन, फेक रिलेशन, इनसे दूरी बनाकर नाउ यू आर रेडी टू ऑफर समथिंग सॉलिड, समथिंग यू आर, नाउ यू आर रेडी टू डू जस्टिस इन योर रिलेशनशिप्स। यस, यू हैव टेकन डिसीजन, सम काइंड ऑफ डिसीजन यू हैव टेकन आफ्टर लॉन्ग लॉन्ग थिंकिंग, लॉन्ग लॉन्ग कंटेम्पलेशन, एंड आफ्टर सम काइंड ऑफ अवेकनिंग, यू डिसाइडेड दैट यू विल, दैट यू विल मूव अवे फ्रॉम एवरी सिचुएशन विच इज नॉट सेटिस्फाइंग। ऐसी हर सिचुएशन जो आपको सेटिस्फेक्शन नहीं दे रही है, उस सिचुएशन से आप मूव होकर, यू आर मूविंग टुवर्ड्स योर टू ऑफ कप्स। एट ऑफ कप्स कार्ड, दिस पर्सन इज मूविंग टुवर्ड्स द टू ऑफ कप्स, ये पहला कार्ड टू ऑफ कप्स। नाउ यू हैव डिसाइडेड हु इज योर टू ऑफ कप्स, कहाँ आपको शांति मिलती है, कहाँ आपको सुकून मिलता है, कहाँ आपको सच्ची खुशी और सच्चा प्रेम आपको कहाँ मिलता है, उस दिशा में वाटर साइंस आपने मूव करने के बारे में डिसाइड कर लिया है। यदि आप ऐसा नहीं कर रहे हैं तो भविष्य में आप ऐसा कर लेंगे। और यदि आप किसी व्यक्ति का वेट कर रहे हैं जो इस तरह का डिसीजन लेकर आपकी तरफ आए, मोस्ट पॉसिबली डिसीजन आपके फेवर में हो जाएगा। ओके, ये आपकी एनर्जी, क्वीन ऑफ कप्स वाटर एनर्जी। इमोशनल फुलफिलमेंट का समय आ चुका है, आपके इमोशनल फुलफिलमेंट का समय आ चुका है। इसी नोट के साथ, इसी गुड नोट के साथ वाटर साइंस की लव रीडिंग में यही खत्म करती हूँ। स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय।